और भी ज्यादा लोग बिना लाइन का लगा हुआ, जो पैरवी वाले हैं उनका पहले हो जा रहा है। हाँ, जो पैरवी जिसका है वो पहले आकर डायरेक्ट ऑफिस में हुआ। और सेंटअप में कोई उतना सीरियस लेता नहीं था, वही अगर एग्जाम के लिए लोग ज्यादा प्रिपेयर करते। तो काफी कम है, कोरोना से बच्चे डरे हुए हैं, काफी डरे हुए हैं इवन। आपका स्वागत है कनेक्ट 24 में, मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गया कॉलेज के पास। जिस तरीके से कोरोना काल के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की बात आ रही, परीक्षा फॉर्म भरने की बात, वैसे ही हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, आप लोग कोरोना के काल के बाद एग्ज़ाम देने की तैयारी में लगे हुए हैं और किस तरीके से, क्या दिक्कत हो रही है, क्या आराम हो रहा है, वो तो सारी चीज़ें हम स्टूडेंट से, विद्यार्थी से पूछेंगे कि आखिर आप लोगों को जो प्रमोट हो रहे थे वो सही है या एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सही है। भी पूछते हैं कि बच्चों में क्या अंतर दिखा कोरोना से पहले। सर बताइए, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद, और जो कॉलेज इस तरीके से खोल दी गई है, तो बच्चों में क्या अंतर दिख रहा है, कितनी उपस्थिति हो रही है? उपस्थिति तो काफ़ी कम है, कोरोना से बच्चे डरे हुए हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। इवन मेरा स्टाफ भी जा रहे हैं, यहाँ जितना भी स्टाफ है वो भी हल्का डर के ही काम करते हैं। हम लोग मास्क लेने से कुछ नहीं होगा, हम लोग सारे स्टाफ लगभग सारे ये वैक्सीन लगा चुके हैं। बच्चों में ये ऑनलाइन ऑफलाइन में ये दिक्कत हो रहा है, ऑनलाइन में ज़्यादा समझ नहीं पाते बच्चे। बच्चे का प्रॉब्लम यह है कि ऑनलाइन में बच्चे सब अमीर नहीं रहते हैं कि अपना डेटा पैक भरा सकते हैं और रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। बिहार के बच्चे 30% 40% गरीबी होते हैं, हर दिन डेटा भरा के आपको ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे वो। ये बहुत बड़ा समस्या है बिहार के पास। ऑफलाइन में है कि अपने बच्चे लॉज में रह रहे हैं, डेली क्लास करने चले आते थे। तो आपके हिसाब से कॉलेज खुलने के बाद मतलब उपस्थिति होनी चाहिए, ऑनलाइन से उतना लोग बच्चे नहीं समझ? नहीं, ऑनलाइन कभी भी प्रभावशाली नहीं रहा, सिर्फ वो सपोर्ट कर सकता है पूरा तरह से। उतना सेटिस्फाइड स्टूडेंट नहीं हो पा रहे, ना कोई अट्रैक्शन हो पा रहा है एजुकेशन को लेकर। उब गए बच्चे, उब गए इस ऑनलाइन प्रक्रिया से, बच्चा उब गया। स्टूडेंट बाहर खड़ा लोग रहते हैं और भीड़ भाव भी ज़्यादा, लोग बिना लाइन का लगा हुआ। जो पैरवी वाले हैं उनका पहले हो जा रहा है? हाँ, जो पैरवी जिसका है वो पहले आकर डायरेक्ट ऑफिस में उनका सर काम कर देते हैं। और जुगाड़ पैरवी वाले नहीं है उनका बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, लाइन भी नहीं लगा हुआ है। लाइन भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं कि मतलब पैरवी वाले जो है उनका जल्दी हो जा रहा है। देख सकते हैं कि इंटर का जो फॉर्म भरा आ रहा है, परीक्षा और एडमिशन दोनों के लिए लोग अपना लाइन में है और बेलाइन पे भी है। अब देखिए कि काफ़ी कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि कुछ देर होता है, जिसका पैरवी है, हम कैमरामैन से गुजारिश करें कि आप दिखा सकते हैं कि जिसकी पैरवी है उनका जल्दी हो जा रहा है, जो स्टाफ का आदमी है और जो क्या कहते हैं जान पहचान वाले हैं, और जो नहीं है उनका लेट हो रहा है हुआ। और सेंटअप में कोई उतना सीरियस लेता नहीं था, वही अगर एग्ज़ाम के लिए लोग ज़्यादा प्रिपेयर करता था। क्या तुम्हारा सब्जेक्ट, क्या डिपार्टमेंट? मेरा सब्जेक्ट साइंस है। मैं तुम मेरा नाम रहीश कुमार हुआ, मैं गया कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं इस कॉलेज में आया हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी बच्चे लोग को हो रहा है, बहुत भीड़ भाव से बच नहीं रहा है और सोशल डिस्टेंस में काम यहाँ नहीं हो रहा, बिना मास्क के लोग भी यहाँ लोग प्रवेश कर रहे हैं ऑफिस में। तो मास्क का जिम्मा आप ही लोग करना है, लेकिन और स्टूडेंट जो मास्क नहीं पहन के आ रहा उसका अनिवार्य नहीं देना चाहिए कॉलेज में, लेकिन उसका बाद भी लोग स्टूडेंट मास्क बिना मास्क का कॉलेज में प्रवेश कर रहा है।